देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश में सुरक्षा को लेकर के मजबूत हाथों की बात करते हुए 56 इंची छाती की बात करते हुए बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन आज सब कुछ खुल करके सामने आ गया। और नरेंद्र मोदी जी से देश के हालातों को लेकर के सवाल ना पूछने वाली गोदी मीडिया, उसकी भी पूरी बेशर्मी वो देश के सामने आ गई। आज देश की संसद के अंदर सुरक्षा की इतनी भारी चूक हुई है जिसमें देश की संसद में कार्रवाई के दौरान दो लोग अंदर कूद गए और दो लोग बाहर थे जो हंगामा कर रहे थे, नारेबाजी कर रहे थे, कह रहे थे कि सरकार की तानाशाही नहीं चलेगी। और उसमें से एक लड़की जिसने सब कुछ कहा उसकी पहचान भी सामने आ गई है, वो लड़की पढ़ी लिखी है अच्छी, मैं आपको बताऊंगा वो लड़की कहां की है। लेकिन दो वीडियो मैं आपको दिखाता हूं, एक वीडियो दिखाऊंगा जहां पर सांसदों ने संसद के अंदर जम करके उन लड़कों को कूटा है और यह सुरक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से तार तार कर देता है कि सांसदों ने अपने बचाव में उन लड़कों को पकड़ा और कूटा, तब तक सुरक्षाकर्मी कहां थे। और दूसरी वीडियो बाहर की, संसद के बाहर की, जहां पर जो उन चार लोगों में से जो एक लड़की और एक लड़का जो दो बाहर थे, जिन्होंने पीला कनस्तर हाथ में लेकर के पीला रंग का धुआं वहां पर उड़ाया, नारेबाजी की, वो पीला कनस्तर एक मीडियाकर्मी के हाथ लग गया और उसके बाद में छीना झपटी देखने को मिली। इतनी बेशर्मी महसूस होती है, हम इस पेशे में हैं, लोग क्या कहेंगे, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ता और वो सवाल नहीं पूछते। इसी तरह की बंदर छाप पत्रकारिता करते हैं, कायदे से बंदरों को भी इसको लेकर के जो है आपत्ति दर्ज कराई जानी चाहिए कि हमारा नाम खराब किया जा रहा है। लेकिन खैर, गंभीर बात पर आते हैं। उस लड़की के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा जो लड़की बाहर नारे लगा रही थी और जो लड़की कह रही थी कि यह सरकार मजदूरों का, किसानों का, दुकानदारों का शोषण कर रही है, उनको आवाज को दबाने का काम कर रही है, लाठीचार्ज करती है। वो लड़की की पहचान सामने आ गई, वो लड़की पढ़ी लिखी है अच्छी खासी, और वो लड़की कहां की आगे मैं आपको बताता हूं। लेकिन सबसे पहले आप ये तस्वीर देखिए, देश की संसद में माननीय सांसदों को उन दो लड़कों को पकड़ करके कूटना पड़ा है। इसमें हनुमान बेनीवाल सामने रहे और कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस के सांसद गुरजीत सिंह और वही बीएसपी के सांसद और कई पार्टियों के सांसदों ने मिलकर के घेर करके उन लोगों को कूटने का काम किया, पकड़ने का काम किया। सोचिए देश की सुरक्षा की आज स्थिति क्या है। दो शख्स पास लेकर के घुसते हैं और वो पास भी बताया जा रहा है कि बीजेपी के सांसद ने बनाया है, बीजेपी के सांसद के नाम पर पास बनाया, आगे मैं आपको जानकारी देता हूं, बीजेपी के सांसद के नाम पर वो पास बनाया, ये बताया जा रहा है जो फिलहाल हमारे पास में प्रारंभिक जानकारी, उसके अनुसार मैं आपको बता रहा हूं। और दो शख्स पास लेकर के घुसते हैं और फिर उसके बाद में वो वहां पर गैलरी से कूद जाते हैं नीचे और कूद करके फिर आगे बढ़ रहे थे स्पीकर की तरफ, लेकिन ऐसे में सांसदों ने उनको पकड़ा, पकड़ करके कूटने का काम किया। तब तक भी सिक्योरिटी कहीं नजर नहीं आई, कूद भी गए, कूद करके एक एक कुर्सी से कुर्सी, एक जंप करते हुए मेज, एक मेज के बाद में दूसरी मेज, वो आगे भाग रहे थे। तब तक भी सिक्योरिटी वाला के लोग उनको पकड़ नहीं पाए, उनको पकड़ा तो सांसदों ने वहां पर पकड़ा। हनुमान बेनीवाल वहां पर थे, कांग्रेस के सांसद गुरजीत सिंह थे, बीएसपी के सांसद थे मुलुक नागर, वो वहां पर थे और कई पार्टियों के सांसद थे, उन्होंने उनको पकड़ करके कूटने का काम किया। इससे पहले कि मैं आपको मीडिया की बाइट दिखाऊं और मीडिया कैसे उछल कूद कर रही थी, और वो एक पीले रंग का इतना सा गोल पाइप सा डब्बा, गोल पाइप जिसमें वो पीला कनस्तर जिसमें से पीले रंग की हवा निकाली, स्मोक पाइप आप उसको कह सकते हैं, वो एक किसी को मिल गया और वो कैसे उछल कूद कर रहा था वो मैं आपको दिखाऊं। उससे पहले मैं आपको दिखाता हूं, कांग्रेस के नेताओं ने, सुप्रिया सुनेत ने ये फोटो शेयर करते हुए कहा है कि जब संसद में अफरा तफरी फैली थी तब जननायक सीना तान करके खड़े थे, राहुल गांधी की फोटो, ये कांग्रेस के नेताओं ने ट्वीट किया है।
तो सब अपने अपनी तरह से जो है वो अब इसको देख रहे हैं, लेकिन जो बड़ी बात है वो मैं आपको दिखाता हूं। अब जरा ये तस्वीर देखिए, ये मीडिया कर्मी अपने आप को कहते हैं, लेकिन कैसे जो है वो किस तरह की यहां पर चीजें पेश की जा रही हैं, लोग देख करके क्या कहेंगे, और ये खुद हंस रहे थे वहां पर। एक तरफ देश की संसद में क्या हो रहा है इसको लेकर के लोग परेशान थे, इसको लेकर के लोग जो है वो सोच रहे थे कि पता नहीं क्या आतंकी हमला हो गया, क्या हो गया है। और यही यहां पर एक वो पाइप लेकर के, एक पाइप किसी को मिल गया, वो TV9 भारतवर्ष के एक पत्रकार को मिल गया, वो लेकर के पहले घूमता रहा, बाकी के लोग कह रहे थे कि हमें दो हमें दो हमें दो हमें दो, वो नहीं दिया, और उसके बाद में एक आज तक का पत्रकार आता है और पाइप ऐसे छीन करके और वो जो लोहे की रेलिंग है उसको कूद करके वो चला गया। देख लीजिए जरा तस्वीर देख लीजिए, मतलब इससे ज्यादा बेशर्मी, इससे ज्यादा जो है इन लोगों के अंदर क्या कहूं, मेरे पास तो शब्द ही नहीं। ऐसे लोगों के ऊपर लानत है, ऐसे लोग जो है वो, और ये अपने आप को कहते हैं कि हम लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ नहीं है, ये TRP का चौथा स्तंभ है, और इन लोगों को ये रहता है कि हमारी TRP बनी रहे, हम TRP की रेस में आगे रहें, और इसलिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, क्योंकि शाम को जो है इनके बॉस का डंडा इनके ऊपर चलेगा कि देखो उसने वो लेकर के पूरे चैनल पर दिखाया, तुम क्यों नहीं दिखा पाए। ये आज के दौर में TV के अंदर हो रहा है। अब मैं कुछ गंभीर चीज आपको दिखाता हूं। सबसे पहले तो आप ये देखिए, मिलन शर्मा ने ट्वीट किया है, मिलन शर्मा कह रही है कि ये पास कितनी मुश्किल से मिलता है, ये वो पास है जो BJP सांसद प्रताप सिम्हा मैसूर से हैं ये, और ये पास बता रहे हैं कि ये पास कितनी मुश्किल से मिलता है, तमाम मीडिया कर्मी के पास में भी पास नहीं ले, तमाम मीडिया कर्मी भी पास नहीं ले पाते हैं, बाहर से रिपोर्टिंग करने पर पाबंदी होती है, गेट के पास में नहीं जा सकते हैं, परमानेंट पास की प्रक्रिया पहले ही बंद हो चुकी है, टेम्परेरी पास ही मिल पाता है, विजिटर गैलरी पास अब बंद कर दिया गया है, लोकसभा स्पीकर ने घोषणा की है। सोचिए ये MP BJP का ना होकर के अगर विपक्ष का होता तो क्या होता, सोचिए अगर ये सागर शर्मा या मोहम्मद या अब्दुल्ला अगर होता तो फिर क्या कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये अपनी तरफ से इन्होंने बातें कही है कि अगर ये BJP का सांसद नहीं होता, कांग्रेस का होता तब क्या होता, और ये मोहम्मद शर्मा ना होकर के अगर मोहम्मद सुलेमान होता तब फिर क्या होता, मीडिया में किस तरह से इसको दिखाया जाता। अब मैं उस लड़की के बारे में आपको दिखाता हूं, उस लड़की की पहचान सामने आ गई है, ये आप ANI का ट्वीट आप देखिए, जींद हरियाणा की वो लड़की बताई जा रही है, उस लड़की के भाई का फोटो आप देख सकते हैं, और यहां पर इस लड़की के भाई ने बताया है, संसद के बाहर से पकड़ी गई एक अभियुक्त नीलम के छोटे भाई ने कहा कि हमें इस बारे में जानकारी नहीं थी कि वो दिल्ली गई है, हमें जानकारी थी कि वह अपनी पढ़ाई के लिए हिसार में है, वह सोमवार को हमसे मिलने के लिए आई थी, कल लौटी है, वह BA, अब देखिए इसकी आप पढ़ाई देखेंगे तो BA, MA, BEd, MEd, CTET, MPhil और NEET इन्होंने उत्तीर्ण की है, मतलब पास की है। उन्होंने कई बार बेरोजगारी का मुद्दा उठाया, किसानों के विरोध प्रदर्शन में भी भाग लिया था। अब किसानों को, बेरोजगारों को, उनके बारे में क्या क्या कहा जाएगा, क्या क्या लिखा जाएगा, लेकिन क्या मूल समस्या के ऊपर कोई बात करेगा? बिल्कुल निश्चित तौर पर 100% इस लड़की ने या इस लड़की के साथियों ने मिलकर के जो किया है वो गलत है, कोई किंतु परंतु नहीं, किसी प्रकार से इसको सपोर्ट नहीं किया जा सकता, जो इसने किया है, जो इनके साथियों ने किया, वो पूरी तरह से गलत है। ऐसा करने का कोई भी रीजन हो, लेकिन इसको सही नहीं ठहराया जा सकता। बात कहने के हजार तरीके होते हैं, बात अगर आपको यही कहनी थी, बेरोजगारी की मांग उठानी थी, तो हजार तरीके से मांग उठाई जा सकती है। अब कोई कहे कि भगत सिंह ने यह रास्ता चुना था, भगत सिंह के साथ कंपैरिजन मत कीजिए, आप पढ़े लिखे हैं, निश्चित तौर पर आपको एक बड़ा मंच चाहिए था, आपको एक बात कहनी थी, और ये सारी बातें मैं तब कह रहा हूं जब प्रारंभिक तौर पर जो हमारे सामने जानकारी आ रही थी उसके बाद में, लेकिन आपको बात कहने के और दूसरे तरीके देखने चाहिए थे।
अब कोई लोग कहेंगे कि किसानों ने इतने टाइम तक बैठे, क्या सुना, कौन सुना, बिल्कुल सही बातें हैं, लेकिन इस तरह से कानून को अपने हाथ में ले लेना, पूरे देश की संसद को खतरे में डाल देना, यह भी तो सही नहीं है। अगर आप कुछ बात कहना चाहते हैं, आपके पास में और कई तरीके होते हैं, आप सोचें और कई तरीके हो सकते हैं जिन पर काम किया जा सकता है, लेकिन यह तरीका सही नहीं है। लेकिन अब इसके भाई ने जो है आकर के जानकारी सामने दी है। और इसके बाद में एएनआई का एक दूसरा ट्वीट देखिए, संसद में जब यह घटनाक्रम हुआ है, इसके बाद में शशि थरूर ने बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं। क्या कहा है जरा सुनिए। संसद में सुरक्षा उल्लंघन पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि तथ्य यह है कि इन लोगों को स्पष्ट रूप से सत्ताधारी पार्टी के एक मौजूदा सांसद द्वारा प्रायोजित किया गया था। बड़ा गंभीर आरोप लगाया है कि बीजेपी के सांसद ने ही इनको स्पॉन्सर किया था। यह बातें कही जा रही है। ये लोग स्मोक पिस्तल की तस्करी करते थे, जो दर्शाता है कि गंभीर सुरक्षा चूक है। इन्होंने न केवल पिस्तौल चलाई बल्कि ऐसे कुछ नारे भी लगाए। हम में से कुछ लोगों को सुनाई नहीं दे रहे थे। पुराने भवन की व्यवस्था की तुलना में सुरक्षा की दृष्टि से ये नया भवन बहुत अच्छी तरह से तैयार नहीं किया गया है, ऐसा लगता है। अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि संसद का जो भवन है यही शुभ नहीं है, ये अपशगुन हो रहे हैं, इसलिए इस तरह से हो रहा है। कई सांसदों ने सामने आकर के कहा कि पिछला जो सत्र चला था वो भी 3-4 दिन ही चला पाया और अब भी 6-7 दिन ही चला है और इस बीच में पूरा घटनाक्रम हो गया। कई सांसदों ने प्रतिक्रिया दी कि ये अपशगुन है, इसीलिए इसमें ये सारी चीजें हो रही है। ये सारी बातें अपनी जगह पर, लेकिन जो चीजें निकल करके सामने आई है, क्या उन पर कोई बात कर पाएगा? सबसे बड़ा सवाल यह है कि देश के अंदर सुरक्षा को लेकर के जो बातें कही जाती हैं, क्या वो सही है? क्या उन बातों में कहीं से कोई सच्चाई है? अगर देश की संसद में बैठे सांसद सुरक्षित नहीं है और सांसदों की जान भी खतरे में है, इसको आप जान पर खतरा ना कहेंगे तो क्या कहेंगे? इसको आप आतंकी हमला नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? कहीं पर कोई गली के अंदर कोई अगर एक नारा बोल करके, कोई एक धार्मिक नारा बोल करके अगर कुछ कर दे तो देखिए पूरा मीडिया कैसे हंगामा खड़ा कर देता है। लेकिन देश की संसद में बीजेपी सांसद के पास लेकर के ये लड़के ये लड़कियां कहां वहां तक पहुंच गए, क्या इस पर गंभीर तौर पर जो है चर्चा होगी? सबसे मूल सवाल ये है। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी सरकार इस पर जिम्मेदारी भी तय करेगी? क्योंकि आज ही के दिन 13 दिसंबर 2001 को संसद के ऊपर अटैक हुआ था, आज ही के दिन, और आज ही यह पूरा घटनाक्रम हुआ है। आप किसी सोसाइटी के अंदर भी नहीं घुस सकते हैं, वहां पर भी एक सिक्योरिटी गार्ड, वहां पर भी एक चौकीदार बैठा रहता है, लेकिन वो चौकीदार वाले नारे कि मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार, देश की संसद की चौकीदारी नहीं हो रही है, देश की संसद की चौकीदारी फेल हो रही है। और अब असल मुद्दा यह भी है कि ये इन लड़कों ने जो कुछ वहां पर बात कही है, इस लड़की ने जो बात कही है और बाकी और शुभम शर्मा और ये नीलम, इन्होंने जो बातें कही है, सिक्योरिटी का एक अपना अलग मसला है कि सिक्योरिटी के ऊपर जांच होनी चाहिए, इन लोगों ने जो किया वो गलत किया उस पर जांच होनी चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ क्या कोई इस बात को भी समझेगा कि कैसे आज देश के लोगों के अंदर, देश के युवाओं में गुस्सा भर रहा है और वो गुस्सा कभी भी किसी भी रूप में जो है सामने आ सकता है। इस लड़की के भाई ने बताया है कि ये लड़की एग्जाम देने के लिए गई हुई थी दिल्ली और वहां पर भी किसी सर्टिफिकेट को लेकर के इसको परेशान किया गया, रोजगार को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के इसके अंदर गुस्सा था कि लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है। इसके भाई ने ये सारी बातें बताई है, लेकिन इसके भाई ने ये कहा है कि हमें ये नहीं पता था कि ये लड़की आज दिल्ली पहुंच रही है, हमें ये जानकारी थी कि ये हिसार में है, हमने पढ़ाई के लिए इसको हिसार छोड़ा हुआ है,
हमें ये जानकारी थी कि ये हिसार में है, कल ही ये घर आई थी, एक दो दिन पहले घर आई थी, ये घर लोगों से मिलकर के सबसे मिलकर के गई थी और मिलकर के जाने के बाद में ये फिर हिसार वापसी चली गई हमारी जानकारी के अनुसार। लेकिन ऐसा लगता है कि ये लड़की अपने घर से निकल करके सीधी दिल्ली की तरफ आ गई, हिसार की तरफ नहीं गई। और आज जब ये पूरा घटनाक्रम हुआ उसके बाद में इस लड़की के भाई को किसी का फोन आता है और वो कहता है कि एक बार टीवी ऑन करो, टीवी चेक करो, नीलम को गिरफ्तार कर लिया गया है। और जब ये टीवी देखते हैं तब पता चलता है कि नीलम की गिरफ्तारी किस वजह से हुई है। तो इतनी सारी चीजें हो रही है। लेकिन अब असल बात यही है कि क्या इन सारी चीजों को लेकर के कोई बात भी करेगा, क्या इन सारे सवालों को लेकर के सवाल पूछे जाएंगे, मौजूदा सरकार इसको लेकर के जवाब देगी। G20 हम लोगों ने करवा लिया, देश को जो है वो दुनिया में नाम हो रहा है, दुनिया में डंका बज रहा है, इस तरह की जब बातें कही जाती हैं तो क्या कोई इस तरह से पूछेगा भी कि देखिए हम लोग इतना भी सिक्योरिटी नहीं बना पा रहे हैं, एक ऐसा नई संसद हमने बनाई है कि वहां पर ऐसा सिस्टम भी नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि लोग जो कहेंगे कि संसद को दोष क्यों देना है, जो माफ कीजिए जो पुरानी संसद थी, जो पुरानी संसद थी उसमें व्यवस्था ये थी कि जो दर्शक गैलरी में लोग आते थे, जैसे नीचे यहां पर सांसद बैठते हैं और इसके ऊपर दर्शक गैलरी में लोग आते हैं, तो दर्शक गैलरी में जो आता है वो बैठते हैं। तो पुराने संसद के अंदर व्यवस्था ये थी कि आगे की एक लाइन दो लाइन वो खाली रखी जाती थी, उन पर दर्शक नहीं बैठते थे, दर्शकों को पीछे बैठना रहता था और आगे की लाइन जो खाली रखी जाती थी उन पर सुरक्षाकर्मी बैठते थे, और सुरक्षाकर्मियों का मुंह वो संसद की तरफ नहीं होता था, सुरक्षाकर्मियों का मुंह दर्शकों की तरफ होता था कि कहीं कोई गिलास या वैसे कोई किसी प्रकार की पानी की बोतल गिलास वगैरह ले जाने की कोई अनुमति नहीं होती है। लेकिन फिर भी दर्शक उनको देखते रहते थे कि कहीं पर कुछ चीज जो है वो नीचे ना फेंक दे, उन दर्शकों की निगरानी की जाती थी सुरक्षाकर्मियों के द्वारा। लेकिन अब जो नई संसद बनी है ऐसा लगता है कि इसमें ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है और इसीलिए जो कुछ हुआ है वो आपके सामने है, और इससे ज्यादा शर्मनाक और क्या होगा। और इस पर मीडिया सही से सवाल क्या करेगी, वो तो खुद बंदर झांप बनी हुई है। तो बहरहाल शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए, लोगों को पता चले कि जो लंबे लंबे दावे वादे किए जाते हैं उनकी असली सच्चाई क्या है, और जिस मीडिया को जिस टीवी को बहुत सारे लोग चाव से देखते हैं उसकी हकीकत क्या है वो लोगों को पता चले। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।